राइट। तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अभी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो ना वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वो ए जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, दैट इज नॉट अ वेरिएबल है, इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। आप जब लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ए आ गया कॉन्स्टेंट है, दैट इज नॉट अ वेरिएबल। ओके, तो वो वेरिएबल नहीं है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है वहां पे। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये जो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन आपने सीखे हैं, ये तीनों के तीनों एप्लीकेबल है ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अभी तक हमने ये सोचा नहीं था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या भी नहीं, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि जब आप वो तीन इक्वेशन लिखते हो, एक्चुअली चार है, फोर्थ हम लोग जेडब्ल्यू नीड स्पेसिफिक केस में देखेंगे, क्योंकि वी डोंट नीड इट फॉर स्टेट बोर्ड और सीईटी पर्पस ईदर। गुड, आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक केस। ओके, बिफोर आई गो टू दिस, बिफोर आई गो टू दिस, आई वॉन्ट यू टू नो सम बेसिक्स अबाउट स्ट्रेट लाइन्स। बहुत बेसिक चीज है, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा तो समझ लो, बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए आपको। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब दैट इज वाई एक्सिस। ओके, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ x इक्वल टू वन तो वो लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू वन। मैं जब लिखता हूँ x इक्वल टू टू तो वो भी होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू वन तो दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू टू दैट इज ऑल्सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एक चीज। दूसरा, y एक्सिस मतलब इटसेल्फ x इक्वल टू जीरो, so x equal to 0 line is nothing but y axis and y equal to 0 line is nothing but x axis। ये basic पता होना चाहिए आपको, you will need this। okay, now हम notes का काम करेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। velocity time graph, मैं मान लेता हूं initially ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट जो है, मैं नीचे डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग पोजिशन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, अगर नहीं समझा तो डजंट मैटर, क्योंकि हमको पोजिशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कुछ बताना है। जब टाइम जीरो था, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, मतलब क्या, मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग अ व्हीकल मूविंग। जब मैंने पहली बार उसको देखा तो टी इक्वल टू जीरो, तो जिस पोजिशन पे मैंने ऑब्जेक्ट को देखा था उसको मैं एक्स इक्वल टू जीरो मान लूंगा, मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। तब कुछ वेलोसिटी था, होता है, मैंने बताया आपको, राइट। सो एट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई स्टार्टेड क्लॉक, इसलिए टाइम टी इक्वल टू जीरो। जहां पे मैंने उसको पहली बार देखा था मैं उसी को ओरिजिन मान लूंगा, इजी हो गया, ऐसे ही तो चलेगा ना। पहले कहाँ देखा, हाँ पहले मैंने वो शॉप के बाहर देखा, फिर 10 सेकंड के बाद कहाँ देखा, हाँ फिर वो वहां पे देखा, मतलब जो पहला शॉप था वो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, गुड इनफ। तो टी इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी था, सम वैल्यू, आई डोंट केयर क्या वैल्यू, सम वैल्यू, और उसको मैं बोल दूंगा कि ये था u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल और पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, राइट। और मैंने बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, इसका मतलब आपको पता लग जाना चाहिए था कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नाउ, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट को बोल देता हूँ बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आते आते जो भी वेलोसिटी
का वैल्यू हुआ होगा, फाइनल वेलोसिटी उसको मैं वी बोल देता हूं। ओके, अब व्हाट वी नो इज, हमको पता है कि हमको यहां से एक्सेलरेशन तो मिल ही जाएगा ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये भी कर देता हूँ। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे टाइम टी था। ओके राइट, सो लेट मी जस्ट डिफाइन द सिस्टम एंड देन वी कैन गो एंड डिराइव इक्वेशंस। सो कंसिडर an object moving along a straight line. मैं फिलहाल ये rectilinear motion लेता हूँ, moving along a straight line, क्योंकि हम लोग वैसे भी straight line की बात कर रहे हैं यहाँ पे। The object is at x equal to 0 at t equal to 0 with initial velocity u, at time t the object, or as I said, the velocity of the object is v, the velocity of the object is v. Simple case, जब मैंने इसको देखा t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो मान लिया उस पोजीशन को, वेलोसिटी u था, फिर मैंने t सेकंड्स के बाद वापस देखा तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया, v हो गया। सिंपल, वेलोसिटी बढ़ गया मतलब एक्सेलरेशन है। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो इज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, अभी आपको जितने तरीके पता है उतने तरीके से निकाल लो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ए, अगर आपको एंगल लेना है तो एंगल ले लो, मैं बोल सकता हूँ टैन थीटा, ऐसा लिखना है ऐसा लिखो, आपको ऐसा लिखना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वो भी चलेगा, एक ही बात है। बाय द वे, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम क्या है फाइनल टाइम टी, इनिशियल क्या था जीरो, ये है ए। गुड, तो आपको मिल गया ये फर्स्ट equation, a is equal to v minus u by t, मतलब a t is equal to v minus u, मतलब v equal to u plus a t, तो graphically भी आप first law of motion निकाल सकते हैं, it's not first law of motion like Newton's law, नहीं, first equation of motion, okay, so ये आपको मिल गया first equation of motion, so this is first equation of motion. लॉ नहीं बोलना, लॉ बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, दैट इज डिफरेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन। गुड, अब मैंने इतना वो डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन इतने सारे ग्राफ क्यों बताए थे, रीजन ये था बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, मैंने आपको चीज बताई थी अभी अभी आज भी बताई, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही मिलेगा आपको इस केस में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, टाइम एक्सिस के नीचे, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है नहीं इसमें बेसिकली, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही मिलेगा आपको यहाँ पे सेम। बाय द वे, दैट इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व ए बी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन है ए बी,
therefore displacement is let us say s is equal to, if I give it some names, ये C बोलता हूँ इसको, D बोल देता हूँ, और O तो बोला ही है उसको, तो मतलब आपको क्या करना है, आपको ये ए बी के नीचे का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो भी है रेक्टेंगल व्हाटएवर इट इज राइट, सो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी सी डी ओ ए डी ओ ए, तो ये सी डी ओ ए दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बाय द वे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मतलब ए सी और ए सी मतलब टी माइनस जीरो मतलब टी है ना, ये टी वैल्यू और ए के लिए टी की वैल्यू जीरो, तो सी के लिए टी की वैल्यू टाइम के लिए टी है और ए के लिए जीरो है, और बी सी हाइट, हाइट है वी माइनस यू, और सी डी, सी डी ये जो साइड है ये है यू माइनस जीरो मतलब यू, और वापिस से ए सी और ओ डी तो इक्वली है तो वो फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, गुड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस, और बेस था आपका ए सी, ए सी यस, और हाइट था आपका बी सी, ए सी एंड बी सी राइट, प्लस क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सी डी ओ ए, इसके लिए इसका एरिया कैसे निकालते, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब ये साइड सी डी और साइड डी ओ का मल्टीप्लिकेशन, सी डी इंटू डी ओ का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ए सी मैंने अभी बताया, ए सी बेस मतलब वो था टाइम टी, और बी सी मतलब था वी माइनस यू, वी माइनस यू गुड, प्लस सी डी, सी डी आपका था यू, ग्राफ याद रखो, मैं वापस जा रहा हूँ ग्राफ पे, ग्राफ याद रखो, और डी ओ था टाइम टी, ये है डिस्प्लेसमेंट एस, बट वी माइनस यू इज ए टी फ्रॉम हियर, बट वी माइनस यू इज ए टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, therefore s is equal to half t into at plus ut, therefore s is equal to ut plus one half at square, ye aa gaya aapka second equation of motion ya fir kinematics, so this is second equation of motion, to aap एक ऑब्जेक्ट के ग्राफ से इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो, गुड इनफ। अब तीसरा रह गया हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वो कैसे करते आएगा, वो ऐसे कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे वापस से ग्राफ पे ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन का यूज, एवरेज वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यू कैन मेक यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटीज, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, तो किसी भी दो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होगा मैं उसका एवरेज वैल्यू यूज कर सकता हूँ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड, जब मैं लिख लेता हूँ तब समझेगा एट द एंड व्हाट आई एम सेइंग, सो एज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट मीन्स द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, तो लीनियर ए बी स्ट्रेट लाइन आया था ना, so the velocity is increasing linearly with time,
या फिर वैसे टाइम ग्राफ में से स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बोल सकते हो, इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, राइट? देयरफॉर टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी बोल रहा है, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वी कैन यूज वी एवरेज, वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी लीनियरली चेंज नहीं होता तो हम लोग एवरेज वैल्यू नहीं यूज कर सकते थे, वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी हियर। देयरफॉर एस डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, बट वेलोसिटी कौन सा? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हो? वन वैल्यू प्लस अदर वैल्यू बाई टू। तो यहाँ पे दो दो पता है ना वेलोसिटी हमको, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, बाई टू कर देंगे इनटू टाइम। बट अगेन व्हाट यू नो इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, आपको याद होगा वी माइनस यू इज इक्वल टू 80 था, वी माइनस यू इक्वल टू 80 था इक्वेशन वन से। तो मैं लिख दूंगा टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, t is equal to v minus u by a, v minus u equal to 80 equation 1, और ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। therefore displacement s will be equal to v plus u upon 2 v minus u upon a, therefore s is equal to v plus u into v minus u is v square minus u square, a minus b into a plus b is a square minus b square upon 2a. Therefore, v square minus u square equal to 2as. Therefore, v square equal to u square plus 2as. तो ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर काइनेमैटिक्स। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? तो मैं अभी रिपीट कर देता हूं। तो बेसिकली हमको क्या करना था, हमको सिर्फ इतना ही करना था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसका ग्राफ मेरे पास है, दैट्स इट। ग्राफ से मैं उस ऑब्जेक्ट का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, कौन से टाइम पे कहाँ होगा बता सकता हूँ, कौन से टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा बता सकता हूँ, राइट? कैसे? इजी, मुझे पता है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो पोजिशन था और उस पोजिशन पे वेलोसिटी था यू, इनिशियल वेलोसिटी। फिर आफ्टर सम टाइम टी द वेलोसिटी बिकम्स वी, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला आपको, गुड। देन व्हाट यू नो इज ए इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वैल्यू माइनस वैल्यू अपॉन टाइम, तो वी माइनस यू अपॉन टी, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन वन रेडी। दूसरा, इसलिए मैं डेप्थ में बताता हूँ, इसलिए मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी बताया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कवर किया है हम लोगों ने, बट फॉर गुड पर्पस। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, तो अभी वो जो ए बी के अंडर का एरिया था, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल दोनों का एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे, दोनों का एरिया निकाला और उसको मैंने ऐड कर दिया। सिर्फ एक चीज और यूज की कि v माइनस यू आया यहाँ पे, तो v माइनस यू 80 है इक्वेशन नंबर वन के ऊपर का स्टेप देखो, तो सब्स्टिट्यूट करके मुझे मिल गया s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ 80 स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। थर्ड के लिए तो और भी इजी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज़ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा लूँ, मैं इनिशियल लू या फिर फाइनल लू या फिर इन बिटवीन लू, कंफ्यूजन है ना, व्हाट शुड आई टेक? तो व्हाट ही सेज, क्योंकि टाइम टी में मतलब जीरो से टी तक वेलोसिटी यू से वी हो गया, हम लोग बोलते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ही तो है, मतलब एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट ही है ना, इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट देन वी कैन टेक एवरेज वेलोसिटी, तो वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, और टी इक्वेशन वन से आपके पास वी माइनस यू बाई ए है, तो ये टी के लिए आप सब्सटीट्यूट कर लोगे वी माइनस यू बाई ए, तो यू गेट वी प्लस यू बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, सिंप्लीफाई यू विल गेट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सफिशियंट फॉर टुडे फॉर दिस सेशन, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट सेशन।